असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी नेता के बयान पर पलटवार, कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में उन्हें नहीं है कोई जानकारी। मंगलवार को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि के बयान पर पलटवार किया है। सीटी रवि पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनका बयान बचकाना है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा है कि भाजपा गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत तालिबान पर प्रतिबंध लगाएगी। दरअसल मंगलवार 31 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा जब तक हिंदू बहुसंख्यक रहेंगे तब तक समान अवसर होंगे, एक बार हिंदू अल्पसंख्यक हो गए तो गंधार के साथ जो हुआ वो यहाँ में भी होगा। सीटी रवि ने आगे कहा है जब वो बहुसंख्यक होते हैं तो वे शरीयत की बात करते हैं, अंबेडकर के संविधान के बारे में नहीं। सीटी रवि यही नहीं रुके हैं, उन्होंने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी तालिबान से जोड़ दिया। रवि ने आगे कहा है कि देश के हर हिस्से में मदरसे पढ़ रहे हैं और गलत धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, मदरसों में पढ़ने वाले छात्र तालिबान बन जाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि AIMIM कर्नाटक में तालिबान की तरह हैं। तालिबान के मुद्दे AIMIM और SDPI के मुद्दे दोनों ही एक जैसे हैं। कलबुर्गी में तालिबान को मंजूर नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि सीटी रवि पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने जो कहा है कि सीटी रवि को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो कितना सही है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।